Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Imperial College. And you can download our app, which is available in the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You'll find a lot of free content and a lot of free mocks on the website and the app. And if you're confused, you should have MIM, MBA, which country you should have, this is the course for you. Link in the description. So let's start. इम्पीरियल कॉलेज है वो लंदन का कॉलेज है, बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है, इसको पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी भी मानते हैं। प्लस यहाँ से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और बिजनेस स्कूल के लिए जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एमबीए और एमआईएम को देखेंगे एंड इस कॉलेज को बहुत ही सारी जगहों से एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, रसेल ग्रुप का भी ये पार्ट है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रैंक्स, रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो आपको मोस्टली इसकी रैंक हर वेबसाइट पे, हर जगह पे टॉप 20 के अंदर मिल जाएगी, मोस्टली टॉप 20 में आता है, ठीक है। एंड आपके किसी भी इंडियन बी स्कूल से टॉप पे रहता है। आप आई एम अहमदाबाद की बात करें, आई एम बेंगलोर की बात करें, आई एम कलकत्ता की बात करें, आईएसबी की भी इनफैक्ट बात करेंगे तो ये कॉलेज एमबीए के डोमेन में उनसे ऊपर है, ठीक है। इसकी रैंक करंटली 20 या 21 पे रहती है। ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपीरियल कॉलेज के अंदर 22,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। ये सारे ही चीजों को मिला के है, वहाँ पे हर एक चीज का कोर्स है, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे कि 125 कंट्रीज से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर आते हैं, बहुत सारी कंट्री से हमारे बच्चे आते हैं। प्लीज़ इसको प्लस इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं और लाइक एंड इसके अगर आप मेंबर्स को देखेंगे, जो स्टूडेंट आते हैं पास आउट है और जो मेंबर्स हैं वो उनको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि एमबीए का ओवरव्यू, तो एमबीए यहाँ पे आपकी फुल टाइम होती है और वो एक साल की होती है। प्लस इसकी जो रैंकिंग जो आपको देखेंगे तो वो आपको मैंने जैसे बताया टॉप 20 के अंदर आपको दिख जाएगी। कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल फाइंड इंपीरियल कॉलेज इन अ वेरी विद अ गुड, वेरी गुड रैंकिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्लास प्रोफाइल, द रीजन कि इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है वो ये है कि इनका क्लास प्रोफाइल के अंदर स्टूडेंट सिर्फ 53 होते हैं। 50 मतलब अगर आप देखेंगे तो इंडियन बी स्कूल सीधा जैसे उनका कॉलेज चलना शुरू होता है वो 100 से शुरू करते हैं और 200, 300, 400 तक पहुंच जाते हैं ऑलराइट। एंड आई थिंक ये नंबर आगे बढ़ता ही चला जाएगा, बट वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो 53 स्टूडेंट्स हैं, 23 नेशनलिटीज से आते हैं। फीमेल इज 43%, एवरेज वर्क एक्स द बैच इज 7 एंड एवरेज एज ऑफ द बैच इज 30। ऑलराइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट इनका बैकग्राउंड क्या रहता है, मेजरली बैंकिंग एंड फाइनेंस से है, फिर कंसल्टिंग से है, फिर कंज्यूमर रिटेल सेक्शन से आते हैं और रेस्ट इज द अदर्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक इंडियन स्टूडेंट कैसे जा सकता है वहाँ तक और कैसे अप्लाई कर सकता है, वो सारा हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आपके पास 3 साल का मिनिमम कॉन्टिन्यूस 3 साल का एक्सपीरियंस होना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये नहीं है और आफ्टर ग्रेजुएशन होना चाहिए, उससे पहले का नहीं, आफ्टर ग्रेजुएशन वाला होना चाहिए तो आप पास है। आप नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ है अगर आप एक इलाइट इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, देन यू कैन अप्लाई विद 60% एज वेल। अगर आपकी ग्रेजुएशन 60% है, अगर आप उससे लाइक कम यूनिवर्सिटी है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी नीचे यूनिवर्सिटी है, देन आपको 65 या 70 के आसपास आपको चाहिए होगा, तब 60 से काम नहीं चलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया पॉइंट। ग्रेजुएशन में 60% इज मैंडेटरी, उससे प्लस चाहिए होगी अगर आपका इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अच्छा नहीं है तो, ठीक है। प्लस आपको एक वैलिड जीमैट और जीआरई देना होगा जिसके अंदर आपका 600 से प्लस स्कोर आना चाहिए, 600 से मिनिमम स्कोर। इसका वेवर भी चल रहा है, दैट्स अ गुड न्यूज, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे कि जीमैट वेवर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका लाइक अगर आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपके 10th 12th 12th में मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, आपके पास वर्क एक्स अच्छा है, देन आपको इसके ऊपर वेवर मिल सकता है। बट उसके लिए आपको उनके साथ कांटेक्ट करना होता है, जिसके अंदर आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट, जो कि आपकी 10th 12th मार्कशीट होती है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है, एक अपटूडेट CV देना होगा और आपको आइल्स का एग्जाम तो देना ही होगा। आइल्स तो देना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिनेरियो के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं अगर आप रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं, विद जीमैट भी कर रहे हैं, तो 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेज विच इज योर LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहा जाता है इसको, कंप्लीट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, आपको 10th 12th ग्रेजुएशन की सारी ट्रांसक्रिप्ट देनी होती है, जीमैट रिजल्ट अगर आपने दे दिया, अगर आपको वेवर मिल जाए तो दैट्स गुड, अगर नहीं मिले तो आपको जीमैट देना होगा, पर्सनल स्टेटमेंट विच इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देन CV, देन करियर प्लानिंग के एसेज होते हैं, उसका आंसर लिखना होता है, देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विच इज योर IELTS का एग्जाम या TOEFL दे सकते हैं, ठीक है। एंड 3 मिनट वीडियो पिच इन सपोर्ट ऑफ कि आप क्यों MBA यहाँ से करना चाहते हैं, उसका एक वीडियो आपको बना के देना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन की फीस भी होती है विच इज 31-35 pounds, जो कि आपका एक जीरो लगा लो तो 13 2 जीरो लगा लो तो 1300 के आसपास, 13,000 के आसपास पड़ेगा। अगर की डेट देखें तो अभी इनकी डेडलाइन आज ऑलमोस्ट चल रही है, बट यही सेम डेडलाइन आपकी नेक्स्ट ईयर की हो जाएगी, तो आप इसको मान लीजिए 2022 हो जाएगा,
तो आपकी नेक्स्ट डेडलाइन हो जाएगी 27 सितंबर या 26 सितंबर, ऐसे इसके आसपास हो जाएगी। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो राउंड 1 से लेके 3 में अप्लाई करें, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 4, 5, 6 में करेंगे तो डेफिनेटली 99.99% चांसेस है कि आपको रिजेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑलवेज अप्लाई इन दीज फर्स्ट 3 राउंड्स, रेस्ट में मत ही अप्लाई करें। इंडियंस को रिकमेंडेशन है, द रीज़न इसकी हमारे यहाँ पे वीज़ा प्रोसेसिंग समय बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो देते नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स को। उनको पता है कि वो इंडियन स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगा टाइम पे। ठीक है, सो दैट द रीज़न आप फर्स्ट 3 राउंड में अप्लाई करें। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको सितंबर में पहला राउंड खत्म होता है, तो उससे पहले पहले अप्लाई करना है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, अगर मैं फीस की बात करूँ तो फीस काफ़ी हाई है, विच इज समवेयर अराउंड 58 लैक्स के आसपास आपको ये फीस पड़ने वाली है। ठीक है, एंड 58 लैक्स का सुन के घबराओ मत, क्योंकि इसके अंदर वेवर भी आपको मिल जाएगा। स्कॉलरशिप बहुत सारी है, आपको 20-25 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो 20-25 के आसपास इंडिया में भी इतनी एमबीए होती है, बाहर से आप इतनी एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो 96% जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्प्लॉयड हो जाते हैं विद इन 6 मंथ्स, एंड आउट ऑफ विच लाइक अगर आप देखेंगे तो 60% बच्चे जो होते हैं वो न्यू सेक्टर में जॉब अप्लाई करते हैं, मतलब जॉब के लिए जाते हैं। ठीक है, पोस्ट एमबीए एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर अगर आप देखेंगे तो 30% फाइनेंस में, 22% टेक्नोलॉजी के अंदर है, 20% कंसल्टेंसी में, रेस्ट इन दी अदर सेक्शंस। प्लस आप देखेंगे लोकेशन क्या है, कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं यूके में ही रहूंगा या कौन सी कंट्री में चले जाऊंगा, क्या होगा। 12% अमेरिका में है, 50% यूके में ही रह जाता है, 8% के आसपास यूरोप में है, एंड 30% एशिया में। तो एशिया में वो इंडिया में भी हो सकते हैं, वो बाहर किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं। ठीक है, देन कौन सी कंपनीज होती हैं जिसमें बच्चे जाते हैं, वो आपके सामने लिखी है। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बीन कंपनी, बार्कलेज, अमेजोन, डॉशे बैंक, एमर्सन, EY, KPMG, इन्फोसिस, पेपाल, ये सारी तो इंडिया की स्कूल से भी आती है, वहाँ पे भी आती है। ठीक है, MIM की बात करता हूँ। अब MIM जो है, यहाँ पे MSc मैनेजमेंट के नाम से कोर्स है, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, MSc जैसे मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसके अंदर भी आपको देखेंगे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, सेम इसके ऊपर भी। और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बहुत सारी वीडियोज डालते हैं ना अब्रॉड को लेकर, सारे कॉलेज की एक ही डिटेल में, कि MBA और MIM को लेकर, तो जरूर से सब्सक्राइब करें। क्लास प्रोफाइल देखेंगे तो टोटल क्लास साइज है 1756, आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि MSc आपका इन मैनेजमेंट कोर हो जाता है। MSc मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, MSc मैनेजमेंट HRM हो सकता है, MSc मैनेजमेंट ऑपरेशन हो सकता है, तो ऐसे अलग अलग डिविजन होते हैं, इसीलिए इसका क्लास साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेशनलिटीज 94 है, 54% फीमेल होती है, 66% के आसपास अमेरिकन है। ठीक है, 11% के आसपास यूके है के स्टूडेंट है, एंड 55% के आसपास एशियन पैसिफिक है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ से जाते हैं लोग पढ़ने, एशिया वाले ही ज्यादातर पढ़ते हैं, बाकी सब तो इतना खास नहीं पढ़ रहे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस इसकी अगर आपने बाकी वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आप क्या देखता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री तो चाहिए, बट आपकी CGPA 70% बननी चाहिए। मैंने अभी तक जितनी वीडियोज बनाई थी उसके अंदर बोला था MIM के लिए आपकी 60% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, यहाँ पे आपके पास 70 होनी चाहिए। तो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस वजह से हट भी सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 70% अगर आपके से कम है देन डोंट अप्लाई टू इम्पीरियल। ऑलराइट, GMAT भी आप दे सकते हैं, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हैं, ताकि आपकी वेटेज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। IELTS का एग्जाम को आपको देना ही पड़ेगा, जिसके अंदर आपका मिनिमम 7 बैंड होना चाहिए। ठीक है, एंड मिनिमम स्कोर इन ऑल द एलिमेंट्स इज 6.5। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, करियर प्लानिंग के क्वेश्चन होते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस स्टेटमेंट होती है, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वही LOR। ठीक है, कंप्लीट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट विच इज 10th 12th ग्रेजुएशन वाले सबके मार्कशीट, अप टू डेट CV, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, IELTS, GMAT का टेस्ट अगर आपने दिया है, पर्सनल स्टेटमेंट विच इज SOP, एंड इसकी एप्लीकेशन फीस है 80 pounds विच इज 8,000 rupees के आसपास। फीस अगर हम इसकी पूरी देखें तो दैट इज समेर 32 lakhs के आसपास आपको पड़ेगी। यहाँ से भी आप करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न आ जाएगा। मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, इस कॉलेज की जो एवरेज है MBA के बाद वो है 80 लैक्स प्लस में जाती है, 80 लैक्स के ऊपर या 86 लैक्स के आसपास आपको दिख जाएगी, 80 to 86 के बीच में आपको दिखेगी। ठीक है, MIM की आपको दिख जाएगी 32 लगाने के बाद, उसके अंदर वैसे भी फेवर मिलेगा, बट अगर आप फिर भी देखेंगे तो इसकी आपको मिलेगी 40 to 50 के आराम से, 40 to 50 के बीच में इसकी एवरेज सैलरी होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, सारी लिस्टेड है, मैंने सारी फोटो लगा दी है, जिसके अंदर आपको मिल जाती है 20 से 25 लाख की स्कॉलरशिप, मेजोरिटी बच्चों को मिल जाती है, एशियंस इंडियंस को तो जरूर मिलती है। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो 20-25 लाख तो आप यहीं पर देंगे, 32 की फीस है तो 7-8 लाख में आपका यहाँ से हो सकता है। करियर की बात करें तो 90% आपके जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो विद इन 3 मंथ्स एम्प्लॉयड हो जाते हैं, 38% एम्प्लॉयड इन यूके ओनली,
एंड एम्प्लॉयड इन कंसल्टिंग एंड फाइनेंस 72%। उसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका फाइनेंस है, फिर उसके बाद फॉलोड बाय कंसल्टेंसी विच इज 29%, एंड रेस्ट इज दी अदर सेक्शंस। ओके, एंड ऐसे सारे एक्साइटिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एवरी संडे एट 10 PM मैं वहाँ पे लाइव जाता हूँ ताकि आपके साथ मैं वीडियो चैट सेशंस कर सकूँ। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी लाइव सेशंस एज वेल। मेरा माइक आ जाए एक बार ही तो मैं फिर वो सेशन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ी चीज़ें दिक्कतें दे रही है, माइक इतना काम नहीं करता इतना कारगर। ऑलराइट, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हमारा लवली ऑसम डे है।